Now we are going to see some common diseases in human beings. Typhoid and pneumonia. These are two bacterial diseases. ये दोनों बैक्टीरिया से होती हैं. टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, जबकि निमोनिया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है. देन कॉमन कोल्ड एंड एड्स. ये दोनों बीमारियाँ वायरस से होती हैं. कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से एंड एड्स होता है HIV वायरस से. देन मलेरिया एंड अमीबाइसिस. ये दोनों बीमारियाँ प्रोटोजोन से होती हैं. मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से एंड अमीबाइसिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है. देन एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटाइसिस. दीज आर टू डिजीजेस कॉज्ड बाय वर्म्स और हेलमिंथ्स. ये वर्म्स हैं, हेलमिंथ हैं, जो निमेटोडा या एस्केलमिंथीज ग्रुप से ये हैं वर्म्स. एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटाइसिस. फाइलेरियल वर्म होता है ये, फाइलेरिया भी कहते हैं इस डिजीज़ को. नाउ नेक्स्ट, फंजाई से होते हैं कुछ स्किन इन्फेक्शंस, यानी कि रिंग वर्म, जो कि फंगस से होते हैं. तो ये सारे डिजीजेस हैं. आपको याद होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी ऑफ पैथोजन से ये डिजीज़ होती है. तो अब हम देखते हैं कि प्रोटोजोन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, दो जो हमें पढ़नी हैं. एक है मलेरिया एंड सेकेंड वन इज़ अमीबायसिस और अमीबिक डिसेंट्री कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. अब हम डिटेल में मलेरिया को पढ़ते हैं. मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन से होता है. तो दिस इज द पैरासाइट, दिस इज द पैथोजन प्लाज्मोडियम, और ये एक प्रोटोजोआ है. प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं. इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे खतरनाक वाला मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है. मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे खतरनाक है. ये फेटल हो सकता है कई बार. तो ये आप देख सकते हो, ये RBCs हैं और बीच में ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेग्नेंट मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, विच इज फेटल, विच इज मोस्ट सीरियस. नाउ अब हमें ये देखना है कि ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी तक कैसे आता है, मतलब इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है. तो ये मॉस्किटो बाइट से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. जब भी मॉस्किटो एक पर्सन को बाइट करेगा, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो वो प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी में डाल देगा. और फिर वो प्लाज्मोडियम किन ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो सबसे पहले लिवर को एंड देन RBCs को इन्फेक्ट करते हैं. इस डायग्राम से आप याद रखोगे एंटर कैसे होता है प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में, मॉस्किटो बाइट से कहाँ जाकर रहता है, पहले लिवर एंड देन RBCs में. आपको दिख रहा है RBC के अंदर से प्लाज्मोडियम निकल रहे हैं. नाउ एक ईजी वे में और बहुत सिंपल तरीके से पहले इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, फिर हम डिटेल में देखेंगे. तो सबसे सिंपल बात यह है कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, मतलब मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है, उस मॉस्किटो ने जब एक हेल्दी या अनइन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो उसने अपने अंदर प्रेजेंट प्लाज्मोडियम इसके बॉडी में डाल दिए. और कौन सी स्टेज इसने हमारे अंदर इंजेक्ट की, दैट इज स्पोरोजोइट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्टेज इसने डाली, स्पोरोजोइट. कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट. तो मॉस्किटो ने जब बाइट किया एक हेल्दी पर्सन को, तो इसने क्या थूक दिया हमारे ब्लड में, स्पोरोजोइट को. अब इसने क्यों ब्लड सक किया है, मींस क्यों ये बाइट करता है हमको. सिर्फ फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, मेल मॉस्किटोज डोंट बाइट, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को एग लेइंग के लिए न्यूट्रिशियस फूड की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए न्यूट्रिशियस फूड हमारा ब्लड है. तो हमें सक करती है, मींस हमारा ब्लड सक करती है और हमें बाइट करती है फीमेल मॉस्किटो. तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यहाँ इस केस में, मलेरिया के केस में बाइट करती है और अपने अंदर प्रेजेंट स्पोरोजोइट्स को हमारे बॉडी में डाल देती है, विच इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज. नाउ ये स्पोरोजोइट पहुँचते हैं लिवर में. इन स्पोरोजोइट्स को सबसे पहले चाहिए छिपने की जगह, ऐसी जगह जहाँ पर अबंडेंस में फूड मटेरियल हो. तो फूड स्टोर्ड इनको मिलेगा लिवर में,
और ये आए हैं, अब छोटे से मच्छर ने थोड़े से स्पोरोजॉइड्स हमारे बॉडी में डाले हैं। इतने बड़ी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए स्पोरोजॉइड्स का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये हमें प्रॉपरली बीमार कर पाएंगे। तो स्पोरोजॉइड्स लिवर में जाते हैं, हमारा फूड लेते हैं, हमारी लिवर की सेल्स में आराम से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके लार्ज नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाते हैं, मतलब अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ सोल्जर्स प्रिपेयर करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ स्पोरोजॉइड्स बना लेते हैं। कहाँ पर? लिवर में। कैसा डिवीजन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजॉइड्स बनाएंगे। कहाँ पर? लिवर में। उसके बाद ये लिवर से जाएगा आरबीसी में। तो अब हम साइकिल को डिटेल में समझते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का पिक्चर है, डायग्राम है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पर डाला है। बड़े ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले तो जो मलेरिया बीमारी है, ये प्लाज्मोडियम है, इसको दो होस्ट रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से दो होस्ट हैं? एक ह्यूमन बीइंग और दूसरा मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो हमने पहले भी देखा था पैरासिटिज्म के लिए क्या अडेप्टेशन है, उसको खास अडेप्टेशन होने चाहिए सो दैट कि वो सर्वाइव कर पाए किसी होस्ट की बॉडी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल हो या अल्टरनेटिव होस्ट हो उसके पास, तो यहाँ पर ज़्यादा होस्ट हैं, दो होस्ट हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग के अलावा मॉस्किटो भी इसका होस्ट है। तो अब जब इसने बाइट किया मॉस्किटो ने एक हेल्दी ह्यूमन को, तो स्पोरोजॉइड्स नाम की इन्फेक्टिव स्टेज को इसने हमारे बॉडी में डाल दिया। अब ये स्पोरोजॉइड्स कहाँ पहुँचेंगे? ये ब्लड के थ्रू पहुँचेंगे हमारे लिवर में, लिवर में जाके रहेंगे और लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी कहाँ पर? लिवर में, ह्यूमन बीइंग के लिवर में। लिवर की सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, लिवर के लिए वर्ड होता है हिपैटिक और सेल्स हैं साइट्स, तो हिपैटोसाइट सेल्स में ये काम होगा और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शाइजोगोनी। ये जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लिवर सेल्स के अंदर, दिस इज शाइजोगोनी। नाउ ये लिवर सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बना रहे हैं, यहाँ से कुछ स्पोरोजॉइड्स ब्लड के थ्रू आरबीसीज में चली जाएंगी। ब्लड के थ्रू ये आरबीसीज में जाएंगी, वहाँ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी। अब खास बात है कि आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, रेड कलर का हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन को ये ब्रेक करेंगी, रप्चर करेंगी और एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होगा। यही केमिकल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मलेरिया के पेशेंट में आप देखते हो कि हाई फीवर और चिल की रिकरेंस होती है हर 3-4 डेज के बाद। तो लिवर में जब होगा तब कुछ नहीं होगा, पर जब आरबीसी में आएगा, आरबीसी को रप्चर करेगा, हीमोजोइन केमिकल रिलीज करेगा, तभी हाई फीवर और चिल आएगी, कपकपी दे के तेज़ बुखार आएगा जब ये आरबीसी में से हीमोजोइन केमिकल रिलीज होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये आरबीसी में ही इसकी दो सेक्सुअल स्टेजेस बन जाती हैं, मेल एंड फीमेल गैमिटोसाइट्स। याद रखना है ये गैमिटोसाइट्स हैं, गैमिटोफाइट्स नहीं है, कई बार नीट एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। गैमिटोफाइट्स हैं प्लांट बॉडी बियरिंग गैमिट्स, ये गैमिटोसाइट्स हैं सेल्स हैं प्लाज्मोडियम के, मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो ये गैमिटोफाइट्स तो यहाँ गैमिटोसाइट्स यहाँ पर बन गए हैं ह्यूमन बीइंग के ब्लड में। यहाँ दूल्हा दुल्हन तो रेडी हैं पर शादी यहाँ पर नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शादी यहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन जहाँ मिलेगी वहाँ जाएंगे भागकर और वहाँ शादी होगी। क्यों नहीं है ह्यूमन बॉडी में अभी फेवरेबल कंडीशन? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में है इस वक्त हाई फीवर, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट्स आर प्रिपेयर्ड हेयर इन ह्यूमन बॉडी, बट जब एक दूसरा मॉस्किटो आकर इसको पिक करके ले जाएगा, दोबारा से ह्यूमन को बाइट करेगा तो इसको पिक करके ले जाएगा, तो मॉस्किटो ने क्योंकि इसको सक किया तो मॉस्किटो के गट में जाएगा और इसका फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो के गट में होगा। इन सेक्सुअल स्टेजेस का फर्टिलाइजेशन हो रहा है मॉस्किटो के गट में, ये बात याद रखनी है। मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर इन मेल और फीमेल गैमिटोसाइट्स के फ्यूजन के बाद बनेंगे
लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजॉइट्स जो कि मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में भरे रहेंगे, और जब ये वाला मॉस्किटो फिर से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में भरे हुए स्पोरोजॉइट नाम की इन्फेक्टिव स्टेज चली जाएगी उस ह्यूमन बीइंग के अंदर, और फिर वो जाके लिवर एंड आरबीसी को रप्चर करेगी और इस तरीके से साइकिल चलेगी। हाउ कैन वी प्रिवेंट आर सेल्स फ्रॉम दीज डिजीजेज़? सबसे पहली चीज़ है टू आइसोलेट द पेशेंट। हमने सबको तो नहीं कर सकते हैं, पर अगर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसको हमने मॉस्किटो नेट के अंदर कर दिया कवर, तो साइकिल रुक जाएगी। पेशेंट को मेडिसिन मिल रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और साइकिल अगर चेन वहीं पर रुक जाएगी इस ट्रांसमिशन की, तो सारे लोगों को फैलने से बच जाएगी।